हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन वन बाय गौरव। तो आज गौरव सर लेके आए हैं राजस्थान आरपीएससी ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट जो है उसके रिजल्ट को लेकर। दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था जिस प्रकार आप आई बटन पर दिख रहा होगा या फिर आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हो, तो वीडियो जरूर देखिएगा कि जो आरपीएससी ऐसे ही एग्जाम था उसकी जो भर्ती की जो सुनवाई जो कोर्ट में अटक गई थी, तो कोर्ट में किसी ने याचिका दायर की थी, उसके अकॉर्डिंग सीबीआई जांच की मांग की गई थी। तो उसकी जो अंतिम सुनवाई थी वो 15 दिसंबर को थी, 15 दिसंबर यानी 2 दिन पहले थी। तो जो कोर्ट ने सुनवाई को लेकर बहुत उसकी मतलब सुनवाई को ख़त्म कर दिया गया है कि इसके बाद में अभी कोई अपडेट नहीं होगी या फिर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आज के दिन क्या गया कि जो शिव सिंह राठौड़ जो आरपीएससी के सदस्य है, किसके आरपीएससी जो ऐसे जिस संस्था ने ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसी के एक सदस्य ने आज ही ट्वीट किया कि जो जिस प्रकार पटवारी के एग्जाम में निर्णय लिया गया कि पटवारी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन से इसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो उसी प्रकार ऐसे ही एग्जाम में भी क्या होगा भाई साहब, नॉर्मलाइजेशन होगा और ऐसे ही का एग्जाम नॉर्मलाइजेशन से तय किया जाएगा। तो ये आरपीएससी के लिए भी थोड़ा सा नया पंडा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, और इसका जो किस प्रकार किस फॉर्मेट से नॉर्मलाइजेशन हो उसकी कोई अपडेट नहीं है। जिस प्रकार से भी आपकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, और जुड़ने का एक तरीका है वो है सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में होगा और नॉर्मलाइजेशन से ऐसे ही का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब जो इसका रिजल्ट होगा, अब बता दें आपको कि रिजल्ट कब आएगा, किस प्रकार आएगा। तो जिस प्रकार कोर्ट के निर्णय के अनुसार कि कोर्ट ने ये कह दिया कि भर्ती रद्द नहीं होगी भर्ती, और इसके आगे आज से यानी 15 दिसंबर के बाद में इसे ऐसे ऐसे एग्जाम से रिलेटेड कोई सुनवाई नहीं होगी, और तो उस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया, नॉर्मलाइजेशन अब होगा। अब नॉर्मलाइजेशन कब होगा, नॉर्मलाइजेशन तैयार हो जाएगा और इसके रिजल्ट की घोषणा कोर्ट के फैसले पर की जाएगी कि कोर्ट का फैसला देता है कि आप रिजल्ट घोषित कर सकते हो, तो उसके फैसले का इंतजार किया जाएगा और फैसले के इंतजार खत्म होते ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना है, कम से कम अपना फीडबैक जरूर देना है, और हाँ यूट्यूब चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे पहले सदस्य हो या फिर नए हो तो आप बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की जितनी भी नए अपडेट्स है वो आपको बेल आइकन के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू गाइस।